हमें इंटीजर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शंस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन के ऊपर हमने ये सीखा है। नाउ वी हैव टू स्टडी कि जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज इफ आई एम सेइंग यू ड्रॉ लाइन सेगमेंट, दिस इज द
0.01 के बीच डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, और फिर 0.02 के डिफरेंस की बात
Digits are there, so
क्वेश्चन नंबर 3 and 4 वी आर गोइंग टू डू टुगेदर बिकॉज़ दोनों में ही फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन दिए थे उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और ये नॉर्मल फ्रैक्शन का आप अभी सीखते रहेंगे एक्सरसाइज 8.1 में मिक्स का हमें थोड़ा सा ध्यान देना है सबसे पहले मिक्स को हम एक बार और करके देख लेते हैं तो 3.10 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है सिंपली 0 हटाओ 10 बनाओ 0 हटाया आपके पास आ गया डेसिमल तो आंसर आ गया आपका 0.3 इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में तो 4/100 5 2 10 तो यहां पे हम लिखेंगे 2 तो यहां 2 लिखा है इक्वल इन
नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 2 8 8। नाउ इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, 0 बटा डेसिमल लगाओ, 0 बटाया आपका 1 डिजिट डेसिमल, फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 0.8। ओके लेट्स सी डेसिमल 4 अपॉन 25। तो 4 इज 25 की बात करते हैं, 25 किसके साथ आया है, 25 10 तो पीछे निकल गया, 100 के नियर हुआ। ठीक है, वैसे तो 10 के नियर ही है, पर हम नेक्स्ट नंबर देखने की कोशिश करेंगे, तो वो किसके नियर है, 100 के नियर है। तो हम यहां पे हाथ से नंबर है जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको किससे चेंज करने वाले हैं, 100 में चेंज करने वाले हैं। नाउ वी आर थिंकिंग 25 में क्या मल्टीप्लाई हुआ होगा कि 100 आया होगा, तो सिंपली 25 को 25 से 100 को डिवाइड करो, तो 25 4 का इज 100, मतलब किसका मल्टीप्लाई हुआ होगा, 4 का हुआ होगा। तो यहां पे हम देख लेंगे 4, यहां पर लिख रहे हैं तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, 4 एंड 4 4 का आई गिव यू 16। नाउ उसको कन्वर्ट कर लो, 1 2 1 2 1 आंसर इज 0.16। ओके इसी तरीके से 20 की बात करते हैं, 20 इसके साथ आ नहीं है, हम इसी में करके दिखा देते हैं इसको आपको, 100 के साथ आ नहीं है, तो 20 के लिए भी 100 कितने टाइम में आता है, 5 का इसमें, तो 5 का यहां हो रहा है, क्या
1 2 0 meter. So in this